हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिटिंग बेस पज़ल। सिटिंग बेस पज़ल को किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या मेथड है जो हमें कम टाइम में हमारे क्वेश्चन को एक बार में सही बना सकता है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और अभी कितने सारे एग्ज़ाम आ गए हैं, RRBPO है, RRB क्लर्क है, SBI है, तो आगे IBPS भी आएगा, तो उन सब में आपको ये पज़ल देखने को मिलेगा और हम इसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 नंबर हमें दिला देता है। और रीजनिंग में नंबर स्कोर करना एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही इजी है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वहीं पर काफ़ी टफ भी बन जाता है, क्योंकि कभी कभी पज़ल गलत हो जाते हैं तो आपका कितना टाइम उसमें चला जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप आराम से बना ले जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर इनरोल करा सकते हैं। रैंकर बैच चल रहा है SBI क्लर्क 2021 का, बहुत ही अमेजिंग बैच है। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहते हो, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, शेड्यूल क्लास के साथ, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। दूसरा बैच है एक्सेलरेटर बैच, ये भी SBI क्लर्क के लिए है, और इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे जैसे कि निमसा मैम, आशीष सर। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, एक अच्छे टीचर से, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। दूसरा बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच, SBI के लिए है। जैसे कि SBI का PO का भी हमारा नोटिफिकेशन आएगा आगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी, तो आप इसमें भी इनरोल करा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको शेड्यूल क्लास मिलती है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, आप किसी भी टाइम लर्न कर सकते हैं, एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल्स का आंसर दे सकते हैं, आपको PDF और मटेरियल भी अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर, और बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसे आप देख सकते हैं वहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो आप इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं वे टू ऑफिसर तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, आप चाहें तो ले सकते हैं इस ऑफ़र को और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से बनाना है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक पज़ल है मेरे पास, इसमें दिया हुआ है 7 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। अब जैसे ही आपको पढ़ना है क्वेश्चन, आपको दे देगा कि कितने पर्सन आपके बैठे हैं रो में, तो आपको सबसे पहले एक रो बना लेना है और उतने लोगों को बैठा लेना है। जैसे मैं क्या करूँगी, मैंने सबसे पहले एक रो ड्रॉ किया और मैंने इसमें 7 लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब उसके आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सच अ वे, इस वे में, सम आर फेसिंग साउथ वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। कुछ साउथ देख रहे हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप साउथ एंड नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे ये नॉर्थ है तो LR, साउथ है तो RL। क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो उसमें दिया रहता है कि कोई ये नॉर्थ देख रहा है तो ये इसके राइट में बैठा है, तो ये इसके साउथ में बैठा है, तो आपको उतना क्लिक नहीं करेगा। अगर आपने बनाया होगा ना और थोड़ा सा भी आपके माइंड से स्किप होता है कि किधर लेफ्ट है किधर राइट है, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन दी हुई है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पर एक बार बना लोगे ना तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि साउथ का राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो इस तरीके से आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी सामने। ओके, तो आगे क्या करना है देख लेते हैं। मोर देन 3 पर्सन्स आर सिट लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, 3+, मोर देन 3 बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर 3+ लिख देंगे। आर के लेफ्ट हैं, अब लेफ्ट हमें ये नहीं पता कि आर साउथ देख रहा है कि नॉर्थ देख रहा है, राइट हमें ये नहीं पता है, तो इस तरीके से मैंने एक डायरेक्शन बना दिया, ये साइन है एक तरीके से कि लेफ्ट में बैठे हुए हैं। ओके, तो ये मुझे पता रहेगा, जब भी मैं आर को बैठाऊंगी तो आर के लेफ्ट में मुझे पता रहेगा कि 3+ बैठाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर हु डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। आर हमारा किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर कट करके लिख देते हैं एंड, मीन्स आर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ रहा है, नॉट का साइन। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी। टी हमारा जो है वो वी के थर्ड राइट में बैठ रहा है, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो हमारा टी जो है वी के थर्ड राइट में बैठ रहा है, तो राइट के लिए मैंने ये डायरेक्शन बना दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता वी नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, बट मुझे पता है कि वी के थर्ड राइट में टी है, तो मैंने इस तरीके से सिंबल बना दिया। ओके, आर इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब हमें पता चल गया आर नॉर्थ देख रहा है, तो हमने जो ये डायरेक्शन बनाया था ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर का लेफ्ट नॉर्थ देख रहा है तो आर का लेफ्ट इस साइड होगा, तो आर के लेफ्ट में 3+ पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, ये बिल्कुल सही था हमारा। उसके आगे क्या दिया हुआ है, मोर देन 2 पर्सन्स आर सिट्स बिटवीन वी एंड आर। वी एंड आर के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन बैठे हुए हैं, वी और आर के बीच में 2+ पर्सन बैठे हुए हैं, ये हमने बना लिया।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में हमारा क्यू बैठा हुआ है, अब हमें इसका भी डायरेक्शन नहीं पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, पी हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, पी हमारा रो के एक्सट्रीम एंड पर बैठा हुआ है। अब या तो पी यहाँ भी बैठ सकता है या फिर पी यहाँ भी बैठ सकता है, राइट? तो मैंने एक पी यहाँ बैठा दिया और एक पी यहाँ पर बैठा दिया है, तो इससे हमें दो पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएगी और इसी पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा और बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दिया हुआ था, ये वाला पी के थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है, तो अगर हमें क्यू को बैठाना है पी के लेफ्ट में तो पी की डायरेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगी, राइट? क्योंकि हमें लेफ्ट में क्यू को बैठाना है थर्ड लेफ्ट में, और अगर यहाँ पर हमें क्यू को बैठाना है तो ऑटोमेटिक पी की डायरेक्शन राइट हो जाएगी, क्योंकि राइट का जो लेफ्ट होता है पी की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी क्योंकि साउथ का जो लेफ्ट होता है वो इस साइड होता है, तो 1 2 क्यू, यहाँ पर क्यू हमारा बैठ गया, ये कंडीशन हमारी बन गई है। ओके, अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद है यू हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यू हमारा वी का इमीडिएट नेबर नहीं है, हमने इस तरीके से बना लिया। उसके बाद दिया हुआ है इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, टी के जो इमीडिएट नेबर होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये साउथ फेस करेगा, अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ फेस करेगा, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, यू एंड टी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ पी, मीन्स यू पी एंड टी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेम, बट अपोजिट टू एस, मीन्स ये तीनों जो हैं एस के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एस अपोजिट। ओके, तो इस तरीके से हमने बना लिया, अब हमने सारी कंडीशन बना ली है, अब सारी कंडीशन को इस पर रख कर चेक कर लेते हैं, आराम से बन जाएगा। अब देख लेते हैं क्या क्या है, हमारे पास पी है, क्यू है, पी क्यू का कोई कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें पी क्यू का कंडीशन। एक हमारे पास कंडीशन दिख रही है जो कि है, आई थिंक ये आर की कंडीशन है कि आर के नॉर्थ में, आर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है और आर के लेफ्ट में 3+ है, और हमें ये भी पता है कि आर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ सकता है, तो अगर हम आर को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4, अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, मीन्स दो पॉसिबिलिटी हमारी आ रही है, या तो R यहाँ हो सकता है या R यहाँ हो सकता है, इसी तरीके से इसमें भी होगा, या तो R यहाँ होगा या R यहाँ होगा, तो हमने इस तरीके से बना दिया, तो इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, R और V के बीच में 2+ हैं, ठीक है, अब हमें जो जो बनाते जाना है ना उसको देखते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर R बनाया ना, तो अब मैं इसमें R को सर्च करूँगी कि यहाँ पर R कहीं दिख रहा है, R के साथ कोई कंडीशन है, तो मुझे ये दिख गया R और V के बीच में 2+ पर्सन बैठे हुए हैं, तो अगर R यहाँ पर लेते हैं हम तो 1 2 V यहाँ बैठाएंगे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पर R नहीं बैठ सकता, इसका मतलब R यहाँ पर होगा क्योंकि 2+ हमें बैठाना है, तो 1 2 3 पर्सन हो गए आर और वी के बीच में, 2+ बैठाने थे। अगर हम आर यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 V यहाँ भी हो सकता है, अगर हम आर यहाँ पर लेते हैं तो 1 2 3 V यहाँ भी हो सकता है। ओके, तो वी यहाँ भी हो सकता है, वी यहाँ भी हो सकता है, अब देखते हैं किसको लेना है हमें। अब दिया है कि वी के राइट साइड में, अब देखिए यहाँ पर वी मिल गया, इस कंडीशन को कट कर देते हैं, वी के राइट साइड में 3rd स्थान पर टी बैठा हुआ है, अगर वी यहाँ पर है, देखिए पहले अगर वी यहाँ पर है तो 1 2 3 टी यहाँ पर होगा, अगर वी यहाँ पर है तो 1 2 3 यहाँ पर टी नहीं हो सकता, इसका मतलब वी यहाँ पर होगा 1 2 3 और टी यहाँ पर होगा, तो आर को यहाँ से कट कर देंगे, इसी तरीके से वी 1 2 3 टी यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और राइट साइड में डायरेक्शन हमारा नॉर्थ हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हमने पी वी क्यू टी आर इन सबको बैठा लिया है, ये भी कंडीशन हमारी कट कर देते हैं क्योंकि हमने ये कर लिया है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, टी के डायरेक्शन जो है अपोजिट है जो उनके नेबर्स हैं, तो हमें अभी नहीं पता है किसी का डायरेक्शन, तो इसको कट छोड़ देते हैं। ओके, उसके बाद दिया है कि यू और वी साथ में नहीं बैठ सकते, मीन्स यहाँ पर यू नहीं आ सकता, यहाँ पर यू नहीं आ सकता, हमारे पास कहाँ कहाँ बचता है, यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये कंडीशन तो अपने आप कट हो गई क्योंकि हमारे पास ये दो ही स्थान बचे हुए हैं और यू यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी कट हो गई, ये पॉसिबिलिटी हमारी कट हो गई, हमारे पास अब एक ही बचा है, यू यहाँ पर नहीं आ सकता तो यू डेफिनेटली यहाँ पर आएगा हमारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आना है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर एस आएगा, राइट? एक एस बचता है हमारा मेंबर। अब इसमें क्या कह रहा था, यू पी और टी सेम डायरेक्शन के हैं, तो हमारे पास पी है, पी हमको पता है पी साउथ देख रहा है, तो यू भी साउथ देखेगा, टी भी साउथ देखेगा, और एस क्या देखेगा, नॉर्थ देखेगा, राइट?
क्योंकि इन दोनों के इन तीनों के अपोजिट एस देख रहा है तो एस नॉर्थ देखेगा। अब हमारे पास बचते हैं क्यू एंड आर, ये किधर देख रहे हैं, अब इनको देख लेते हैं। ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया है। एस और यू के बीच में 3% है, ये भी हमारा कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया था। अब देखिए ये कंडीशन बचता है लास्ट वाला कि टी के जो नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं और हमें इसमें कंडीशन दिया हुआ था कि आर हमारा नॉर्थ देख रहा है, राइट। आर अगर नॉर्थ देख रहा है तो क्यू हमारा ऑटोमेटिक साउथ देखेगा और हमारा ये पूरा जो है पजल बन गया, तैयार हो गया हमारा पजल। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, क्यू, तो हमारा आंसर हो गया क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकेंड राइट में कौन बैठता है, क्यू, और कह रहा है कि जो वी के सेकेंड राइट में पर्सन बैठा हुआ है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, तो हमारा क्यू जो है वी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है और क्यू के थर्ड लेफ्ट में यू बैठा हुआ है हमारा, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है और साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट हमारा इस साइड होता है, राइट। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यू बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया यू। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन आर सिट्स बिटवीन द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड पी, आर के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा बैठा हुआ है टी और टी और पी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं 1, 2, 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाइन क्वेश्चन है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कौन सा एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो इन चारों की तरह सेम नहीं है, चार एक समान होंगे और एक जो होगा वो ऑड होगा, तो ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है, तो इसे बताना है हमें। पी क्यू टी यू एस, पी क्यू टी यू एस ऐसे बना लीजिएगा फटाक से। यहाँ पर पी साउथ देख रहा है, क्यू साउथ देख रहा है, टी साउथ देख रहा है, यू साउथ देख रहा है, एस नॉर्थ देख रहा है, तो हमारा आंसर आ गया यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, यू हमारा यहाँ पर है साउथ डायरेक्शन, इसका मतलब राइट इधर होगा, थर्ड राइट में कौन है देख लेते हैं, आर टी क्यू, क्यू हमारा थर्ड राइट में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने एक पजल बना ली, पहली बार में ही पजल बन गई, इसमें हमें बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना पड़ा है। तो इस तरीके से आप अगर आप बनाते जाओगे ना, कंडीशन लिखते जाओगे और एक एक कंडीशन को अप्लाई करते जाओगे पॉसिबिलिटी के साथ, तो आपका क्वेश्चन पजल आपका एक बार में बन जाएगा और आप 5 नंबर जरूर फिक्स कर लोगे आराम से। तो इस तरीके से हमें सिटिंग बेस पजल को या रो बेस पजल को सॉल्व करना है और एग्जाम में भी आप यही अप्रोच रखिएगा, आप आराम से कर लोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड पजल नहीं आती है, पजल बहुत ही पजल का सिर्फ लैंग्वेज आप अगर समझ गए ना तो आप आराम से कर लोगे, तो आपको सिर्फ लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अपनी कंडीशन को ऐसे बनाते हुए चलना है। अब हम सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, सेकंड टाइप है हमारा पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं उसको देखते हैं हम। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 10 आर्टिस्ट्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो कंटेनिंग 5 पर्सन ईच, मतलब हमारे पास 10 आर्टिस्ट हैं और 2 पैरेलल लाइन है और उन दोनों पर जो है 10 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बना लेना है रो। ओके, तो हम सबसे पहले रो बना लेते हैं, यहाँ पर एक रो बनाया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 5 लोग ऊपर बैठे हैं और 5 लोग नीचे बैठे हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि पॉसिबिलिटी तो आएगी ही, ज़रूर आएगी, तो इसके लिए सेफर साइड हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं 5 लोग को यहाँ, ताकि हमारे पास पॉसिबिलिटी आए तो हमारे पास हो एक रखने के लिए फटाक से, ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में फिर दोबारा जा रहे हो बनाने, पहले से ही बना के रख लो जैसे क्वेश्चन दिखता है तो। ओके, फिर क्या करना है, आइए पढ़ते हैं। पहले इसमें दिया हुआ है इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ओके, इन फर्स्ट रो, पहले रो में सपना, सुमित, सुशील, सोनिया एंड सीमा, देखिए ये नाम जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, सारे नाम एस से दिए हुए हैं और आपको पूरा नाम प्रॉपर लिखना पड़ेगा, आप शॉर्टकट यहाँ पर नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा भी आप शॉर्टकट यूज़ किए तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। ओके, ये इतने लोग जो हैं 5 लोग, ये लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं। ओके, इन सेकेंड रो, दूसरे रो में सुनीता, सुजाता, सुरजीत, सूरज एंड संजीत, ऐसे ऐसे नाम दिए रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये लोग दूसरे रो में बैठे हुए हैं और ये सभी नॉर्थ देख रहे हैं, इसका मतलब जो लोग पहले में बैठे हुए हैं वो साउथ देख रहे हैं और जो लोग दूसरे में बैठे हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं, तो हम इस तरीके से बना के रख लेंगे पहले ही। ओके, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो बनाते समय और हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाए।
अब हमने ये बनाकर रख लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, ताकि हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर रहे और हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। तो उसके लिए हम पहले लिख लेंगे कि जो साउथ की तरफ देख रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं। साउथ की तरफ देख रहे हैं जो लोग, वो लोग फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। ओके, फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, और वो लोग हैं सपना, सपना, सुमित, सुशील, सोनिया एंड सीमा। तो ये लोग फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं और ये लोग साउथ देख रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से बना सकते हो तो बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा वाला भी बना लेना चाहिए, सेकंड रो वाला भी, तो भी आप लिख सकते हो, बट मैं जनरली फर्स्ट रो का ही लिखती हूँ अगर ऐसी कन्फ्यूज़न होती है तो। अगर नाम अलग अलग है तब भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर ऐसा कन्फ्यूज़न दिया हुआ है तो एक बार आप लिख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे। और अगर आपने पहला लिख लिया तो दूसरा ऐसे ही पता चल जाएगा कि दूसरा नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Okay. Suraj sits third to the left of Sunita. Sunita के बाएं तीसरे स्थान पर सूरज बैठा हुआ है। अब Sunita हमारी कहाँ पर बैठी हुई है? Sunita हमारी first row में नहीं है, इसका मतलब Sunita second row में बैठी हुई है और वो north की तरफ देख रही हैं। अगर Sunita north की तरफ देख रही हैं तो Sunita के बाएं तीसरे स्थान पर सूरज हैं। तो अगर सुनीता यहाँ पर हैं तो सूरज यहाँ पर होंगे, अगर सुनीता यहाँ पर हैं तो सूरज यहाँ पर होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो हम बना लेते हैं। सुनीता यहाँ पर है तो सूरज यहाँ पर बैठ गए, और अगर सुनीता हमारी यहाँ पर है तो सूरज हमारे यहाँ पर हो गए। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। सपना फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। सूरज के जो इमीडिएट नेबर हैं उसको सपना फेस कर रही हैं। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर सूरज बैठे हैं, सूरज के इमीडिएट नेबर तो ये हैं और इनको सपना जी फेस कर रही हैं, तो यहाँ पर सपना आ गई। ओके, ये हो गया। और इसमें अगर हम देखते हैं तो सूरज के इमीडिएट नेबर तो ये भी हैं और ये भी हैं, राइट। और हमें नहीं पता कि सपना इनको फेस कर रही हैं या इनको फेस कर रही हैं, तो सपना यहाँ भी हो सकती हैं या फिर यहाँ भी हो सकती हैं, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। ओके, तो सपना को हम यहाँ भी बैठा देते हैं, स्लैश कर देते हैं, एंड सपना को यहाँ भी बैठा देते हैं। आगे जो कंडीशन जैसी बैठती है वैसे हम एक लोग को कट कर देंगे। ओके, इस तरीके से करना है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सुनीत एंड सोनिया। एक लाइन मैंने शायद स्किप कर दिया। सुशील सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सपना। सपना के राइट में दूसरे, मतलब दाएं स्थान पे, दूसरे दाएं स्थान पर सुशील बैठा हुआ है। तो सपना के दाएं दूसरे स्थान पर सुशील है। अगर सपना यहाँ पर बैठी है तो सुशील यहाँ पर बैठे हैं, बट अगर सपना यहाँ पर बैठी है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें दाएं स्थान पर सुशील को बैठाना है, तो यहाँ पर दायां नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसको कट करते हैं और यहाँ पर हम सुशील जी को बैठा देते हैं। सुशील जी यहाँ बैठ गए। और अगर सपना यहाँ पर बैठी हैं तो सुशील जी को कहीं बैठाना पड़ेगा दाएं से दूसरे स्थान पर, तो दाएं से दूसरा स्थान तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, तो इसको कट कर देते हैं। अब इस पॉसिबिलिटी को लेकर हम चलेंगे, राइट। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ रहा होगा, आई होप। तो इस तरीके से करते हुए चलना है। आगे देख लेते हैं क्या है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सुनीत एंड सोनिया। सुनीत और सोनिया के बीच में ओनली वन पर्सन बैठे हैं सुनीत और सोनिया के बीच में। अब सुनीत और सोनिया हमारे फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर नहीं पता है वो लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं। सुनीत यहाँ भी हो सकते हैं, सोनिया यहाँ हो सकती हैं, या फिर सोनिया यहाँ हो सकते हैं, सुनीत यहाँ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सुनीत डैश सोनिया, मीन्स एक लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सुजाता एंड संजीत आर इमीडिएट नेबर्स। सुजाता एंड संजीत, अब सुजाता संजीत तो हमारे सेकंड रो में बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में सुजाता संजीत नहीं दिख रहे हैं, तो सेकंड रो में है, तो सुजाता या फिर यहाँ हो सकते हैं, संजीत यहाँ, या फिर संजीत यहाँ पर हो सकते हैं, सुजाता यहाँ, क्योंकि हमें उनका फेस नहीं पता ना कि किस तरफ बैठे हुए हैं। ओके, आगे दिए हुआ है संजीत डज नॉट फेस सपना एंड सुमित। संजीत जो है वो सपना और सुमित को फेस नहीं कर रहा है, सपना यहाँ पर है। अगर संजीत फेस नहीं कर रहा है सपना को, तो इसका मतलब संजीत जी हमारे यहाँ पर बैठ जाएंगे। अगर संजीत जी हमारे यहाँ पर बैठ गए तो सुजाता जी यहाँ पर बैठ जाएंगी, राइट। सुजाता जी यहाँ पर बैठ गई। अब सुजाता जी यहाँ पर बैठ गई हैं, और आगे क्या दिया हुआ है। सुनीत या सोनिया के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं। वन मिनट, आई थिंक सुनीत तो कोई पर्सन है ही नहीं, सुमित है पर्सन, राइट। सुमित पर्सन दिए हुए हैं जो कि फर्स्ट रो में, सुनीत नाम से कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर सुमित कर लेते हैं। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक होगी इनकी। ओके, सुमित और सोनिया के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं, और एक क्या कंडीशन,
क्या कंडीशन दी हुई थी इसमें कि संजीत जो है वो सुमित को फेस नहीं कर रहे हैं। अगर संजीत सुमित को फेस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि सुमित को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अगर सुमित यहाँ पर बैठ गए हैं तो सोनिया यहाँ पर बैठेंगी, राइट, सोनिया यहाँ पर बैठेंगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें बचती हैं, दो स्पेस बच रहा है। अब देख लेते हैं कौन सा बचा है। हमने सपना को बैठा दिया, सुमित को बैठा दिया, सुशीला को, एक सुशीला भी है क्या, सुशील, सुशील को हमने बैठाया है आई थिंक, या सुशील को हमने बैठा दिया है, सोनिया को बैठा दिया है और सीमा एक बच गई, राइट। तो हम यहाँ पर सीमा को बैठा देंगे। और सेकेंड रो में किसको किसको हमने बैठा दिया, हमने सूरज को बैठा दिया है, हमने सुजाता को बैठा दिया है, हमने संजीत को बैठा दिया है, हमने सुनीता को बैठा दिया है। आई थिंक नाम इतने कन्फ्यूजिंग है कि आप कन्फ्यूज हो गए। एक बचते हैं आई थिंक सुरजीत, राइट, तो सुरजीत बचते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करना है, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि नाम ही इतने सिमिलर दिए हुए होते हैं। नाम एक का सुनीता दे देगा तो एक को सुनीत दे देगा, एक को संजीत दे देगा तो एक को सुरजीत दे देगा, तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि मैंने किसको कहाँ पर बैठाया। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको इस क्वेश्चन को करना है, नहीं तो आपके पज़ल गलत हो जाएंगे और फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप फिर से पूरा अरेंजमेंट करो, फिर से बनाओ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें गलत नहीं करना है, इसलिए पहले ही कंसंट्रेशन के साथ आप करिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन सुमित एंड सीमा। सुमित और सीमा के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, सुमित यहाँ पर हैं, सीमा यहाँ पर हैं, इनके बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारा आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस सोनिया। सोनिया को कौन फेस कर रहा है, तो सोनिया को संजीत फेस कर रहा है, तो हमारा आंसर हो गया संजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुजाता। सुजाता के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। सुनीता एंड सुरजीत आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सुजाता। सुजाता यहाँ पर है, सुजाता के इमीडिएट नेबर कौन है, सूरज एंड संजीत, और यहाँ पर दिया हुआ है सुनीता एंड सुरजीत, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, सुजाता सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल नहीं, सुजाता तो हमारी बीच में बैठी हुई है। नेक्स्ट है, सीमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फेसिंग सुजाता। सुजाता को जो, सुजाता के जो इमीडिएट नेबर है उसको सीमा फेस कर रही है, नहीं, गलत है। सूरज सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुजाता। सुजाता के इमीडिएट लेफ्ट में सूरज बैठे हैं, तो हाँ जी बिल्कुल सही है ये, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। रो के एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो सपना बैठी हुई है और यहाँ पर सुजाता बैठी हुई है, तो हमारा आंसर हो गया सपना एंड सुजाता। आई थिंक आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 5 है, इसमें सुजाता को सुरजाता लिख दिया हुआ, ये लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं, ऐसा ऐसा नाम दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा सपना एंड सुजाता। ओके, तो इस तरीके से हमने इस पज़ल को बना लिया है। तो ये हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के दो पज़ल हैं, एक मैंने आपको लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बताया कैसे करना है, और आपको एक मैंने पैलर सीटिंग अरेंजमेंट भी बता दिया कैसे करना है। और जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट को कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना कन्फ्यूजिंग था, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप करिए, बस एक बार में आपका बन जाएगा, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन लगाइए और आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी लेकर चलिए, पॉसिबिलिटी लेकर चलने से हमारी एक्यूरेसी 100% रहती है, स्पीड भी मेंटेन रहती है और आपके 5 नंबर तो जरूर पक्के हो जाते हैं। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे और भी मैं आपको सारे टाइप के पज़ल बताऊंगी कि किसको किस मेथड से करना है, तो वीडियो देखते रहिएगा। एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।